गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आई थिंक 4 या 5 दिन के बाद वीडियो डाल रही हूँ। सबसे पहले तो आई एम सॉरी उसके लिए कि मैंने आप लोगों को इतना वेट करवाया। आई नो जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, जो मेरी फैमिली है, वो हमेशा मेरे वीडियो का वेट करती है कि अब दीदी कौन सा एक इन्फॉर्मेशन या कौन सा क्यूट सा वीडियो लेकर आने वाली है। बट आई एम सो सॉरी कि मैंने लास्ट 4 दिन से आई गेस या 5 दिन से वीडियो नहीं डाला। मैं थोड़ी सी अपसेट थी, परेशान थी। मेरे कम्युनिटी टैब जो लोग देखते हैं उनको पता होगा कि मैं किस चीज के कारण अपसेट थी, परेशान थी। बट आई एम फीलिंग बेटर नाउ। ये सब चीजें हमें फेस करनी पड़ेगी। मतलब हम इनसे भाग नहीं सकते, हमें फेस करनी पड़ेगी। मैं बस इस वीडियो में कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाली, क्योंकि ये वीडियो है लूज मोशंस के बारे में। यानी कि अगर आपके खरगोश को लूज मोशंस यानी कि पतली पॉटी हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके क्या रीजंस हैं। एक्चुअली जब भी आप YouTube खोलते हैं तो आप अगर आपके बनी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आई नो अक्सर लोग गूगल करते हैं, अक्सर लोग YouTube करते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं कि अच्छा इससे हमारे अगर रैबिट को या हमारे किसी भी पेट को या घर में किसी भी फैमिली मेंबर को, ह्यूमंस को, किसी को भी कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले हम लोग इंटरनेट का सहारा लेते हैं ये देखने के लिए कि क्या इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है, ये क्यों किस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। तो अगर इंटरनेट पे ही गलत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो तो जो एक नॉर्मल इंसान होता है हमारी तरह, जिसको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होगा उस फील्ड का, लाइक जो लोग हेल्थ केयर इंडस्ट्री से नहीं है वो ह्यूमंस को लेकर भी थोड़े से गलत चीजें उसमें पढ़ लेंगे या YouTube में सीख लेंगे और फिर वो एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, जो हालांकि गलत है। इसलिए मैं हमेशा डिस्क्लेमर देती हूँ कि हम भी वेट नहीं हैं, हम भी एनिमल्स के डॉक्टर नहीं हैं। अगर आपको कोई भी चीज पे डाउट है तो प्लीज, अगर आपके पास अच्छा वाला वेट है, क्योंकि इंडिया में बहुत कम डॉक्टर्स हैं जो रैबिट सेवी हैं, यानी कि जो रैबिट्स के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपके आसपास या आपके पास ऐसा कोई वेट है जो रैबिट की बहुत अच्छी नॉलेज रखता है तो मेरे ख्याल से कोई भी इमरजेंसी में, कोई भी ऐसे सिचुएशन में आपको अपने वेट के पास ही जाना चाहिए। मगर इफ यू डोंट हैव एनी गुड वेट नियर बाय यू, अगर आपके पास कोई भी ऐसा वेट नहीं है तो कुछ चीजें हैं जो हमारी वीडियोस के थ्रू आप लोगों को हेल्प मिल सकती है। मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि हाँ आप लोग इसको क्योर कर लोगे ना तो वो परेशानी तक हम बहुत रेयर है कि पहुंचेंगे। बाकी तो कुछ चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में भी नहीं होती हैं, हम सब कुछ बेस्ट करने के बाद भी हेल्थ इश्यूज होते हैं बहुत सारे लोगों को। तो इसीलिए जब भी आप गूगल करो, जब भी आप इंटरनेट देखो, जब भी आप यूट्यूब देखो तो ब्लाइंडली किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करो। बिल्कुल मैं कह रही हूँ, ब्लाइंडली किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है। कोई भी मेडिसिन बता रहा है, कोई भी क्या चीज बता रहा है, सबसे पहले तो देखो कि क्या उसका चैनल पेट रैबिट चैनल है। पेट रैबिट, यस, ये वर्ड को मैं कैपिटल्स में बता रही हूँ, पेट रैबिट, यानी कि वो खरगोश जिनको हमने अपने बच्चों की तरह अपने पास पालते हैं। तो वो मेडिसिन अगर आपको बता रहा है तब भी आपको सेकंड थॉट लेना है। मगर अगर उसका चैनल ही कुछ और है और तब भी वो आपको मेडिसिन बता रहा है तो आपको बिल्कुल अपने कान आंख खोलने हैं और उन मेडिसिन पे बिलीव नहीं करना। क्योंकि मैं ये इतना लंबा चौड़ा इंट्रो वीडियो से पहले इसलिए दे रही हूँ, मेरे पास रिसेंटली केस आया कि ऐसे ऐसे एक वीडियो है उसमें लूज मोशंस की मेडिसिन बताई गई हैं, क्या ये सही हैं। तो मैं किसी भी वीडियो पे जजमेंटल कमेंट नहीं देने वाली हूँ, बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि हर किसी की अपनी सोच है। उसके लिए वो नुस्खा हो सकता है काम किया हो या जो भी है, वट एवर, मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं बोलने वाली। अब हम जाते हैं अपने वीडियो में, अपने फरी बेबीज के लिए क्या चीज सही है और क्या चीज नहीं, इस बारे में हम लोग बात करते हैं। तो गाइस, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबको पता चल चुका है अगर वो मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, कि रैबिट की जो हेल्थ है वो उसकी डाइट पे, उसकी पॉटी पे डिपेंड होती है। मतलब बोले तो अगर आपका रैबिट अच्छे से खा रहा है, यानी कि है, और आपका रैबिट अच्छी गोल्डन वाली मोटी मोटी सी पूप कर रहा है, यानी कि पॉटी, तो आप कहीं ना कहीं जज कर सकते हो कि आपका खरगोश तंदुरुस्त है। तो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो करती है रैबिट की डाइट। अगर आपका खरगोश सही खाना यानी कि खूब सारा फाइबर खा रहा है तो उसमें हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो अभी मैं प्रॉपर हेल्थ इश्यूज या प्रॉपर डाइट के बारे में लेक्चर नहीं देने वाली हूँ। हम बात करेंगे, ये देखो कौन बैठा हुआ है, ऐसे बैठे हुए हैं जैसे मैंने साइड में वो बिठा रखी है ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। तो अभी हम बात करेंगे कि अगर आपके खरगोश को लूज मोशंस हो गए हैं, पॉटी पतली आ रही है, तो उसके कारण क्या है। तो चलिए आज हम उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे जो बड़ा रीजन है आपके खरगोश को लूज मोशंस होने का, वो है उसकी रॉन्ग डाइट, यानी कि हम अपने खरगोश को गलत खाना देते हैं, इसकी वजह से उसका पेट गड़बड़ होता है और उसको लूज मोशंस होती है। तो मैक्सिमम मैं हमेशा हर वीडियो में ये डाइट चार्ट जरूर बताती हूँ, तो प्लीज गाइज इसको ढंग से जूम करके देखें, अदरवाइज मैं सेपरेट में एक और मतलब पूरे स्क्रीन पे भी लगा दूंगी ताकि आप ढंग से देख सकें। 70-80-90% आपको रैबिट के पास खूब सारी हे देनी है, घास देनी है, सूखी घास देनी है, और उसके बाद आती है सेफ वेजिटेबल्स, थोड़ी सी थोड़ा सा सेफ पैलेट और हल्का सा ट्रीट यानी कि मीठा। इसके बाद भी लोग मुझे सिर्फ यही पूछते हैं कि हम ये खिला सकते हैं, हम चपाती खिला सकते हैं, हम दाल चावल खिला सकते हैं। तो भाई आप मैं क्लियर कर देती हूँ, दाल चावल, ह्यूमन फूड, रोटी, चपाती, पराठा, पूरी, आलू, ये सब जहर है। अगर आप ये सब खिलाते हो तो प्लीज बी क्लियर कि ये जहर है। अगर आप डाइट गलत दे रहे हो तो आपके खरगोश को लूज मोशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं नीचे ना एक कॉपी रखकर हमेशा वीडियो बनाती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं, और मेरी कॉपी अभी एक भालू का बच्चा काट रहा है, मफिन है, क्योंकि इसको हर चीज काटनी है। सबसे पहला मेन रीजन है कि डाइट गड़बड़ होना, जिसकी वजह से खरगोश को लूज मोशंस होती हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, लूज मोशन जब होती है तो खरगोश की जान बचानी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। रीजन, अगर वो 2-3 दिन से लूज मोशन पे है और आप उसको ट्रीट नहीं कर पाए हैं, ट्रीटमेंट इमीडिएटली नहीं दे पाए हैं, तो उसकी बॉडी से पानी खत्म हो जाएगा और वो डेथ तक कर जाएगा। तो इसलिए लूज मोशन को आप हल्के में मत लो। लूज मोशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिनके पास भी रैबिट्स हैं, जो प्यार करते हैं अपने फरी बेबीज को, उनको इस चीज का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके रैबिट की पूप बिल्कुल ठीक आनी चाहिए और आपका रैबिट हेल्थी है या नहीं है। 80% कारण है वो डाइट ही होता है। मगर जैसे हम लोग घास खिला रहे हैं, अगर आप लोग हे नहीं ले रहे हो और आप लोग घास खिला रहे हो अपने खरगोश को, तो आपको क्या करना है, जब भी आप कहीं से घास लेकर आते हो आपको उसको अच्छे से खुले पानी में धोना है बढ़िया तरीके से, देन उसको अपने खरगोश को देना है स्ट्रेन करके, ड्राई करके, जैसे भी आप दे रहे हो, बट आपको धोना है। क्योंकि घास किस जगह से आ रही है, उसके ऊपर किसी डॉग ने, कैट ने शूशू पॉटी तो नहीं किया, उसके ऊपर कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स तो नहीं थे, क्योंकि आपको नहीं पता आप जहां से घास ला रहे हो, और उसकी वजह से भी रैबिट का पेट खराब हो सकता है, जिसकी वजह से उसको लूज मोशंस हो सकते हैं क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो और रैबिट आपका लूज मोशंस में, डायरिया में जा सकता है। तो इसलिए जो लोग घास खिलाते हैं, जो लोग घास की हे खिलाते हैं, नॉर्मल बड़बूढ़ा धूप घास की मैं बात कर रही हूँ, तो वो जरूर ध्यान रखें कि वो घास जब भी लेकर आते हैं उसको अच्छे से खुले पानी में, मतलब वॉश करें। जब मैं इनको घास लेकर खिलाती थी, मतलब हे तो मैं शुरू से खिलाती थी, बट बीच में मैंने आपको बताया होगा किसी वीडियो में, मेरी मेड से मैं घास मंगवाती थी और इनको वो भी देती थी, थोड़ी सी ग्रीन, ताकि इनको टेस्ट चेंज हो जाए। तो मैं उसको बहुत अच्छे से धोती थी, मतलब आधा एक घंटा लगाकर मैं उसको खुले पानी से निकालती रहती थी 7-8 बार। उसके बाद मैं इनको देती थी। काम बढ़ जाएगा नो डाउट, बट आप दिन के एंड में बहुत अच्छा फील करोगे जब आपको लगेगा कि हाँ, आपके आधे पौने घंटे स्पेंड करने से आपके रैबिट्स की हेल्थ अच्छी है, तो आपको खुद पर्सनली भी बहुत अच्छा फील होने वाला है, बिलीव मी। गाइस, ये बात तो हो गई कि कारण क्या है लूज मोशन के। यस, इसके यही कारण है, इसके अलावा कोई कारण नहीं है। अगर अभी भी आप बोलते हो कि नहीं यार, हम तो डाइट भी ठीक देते हैं, हम तो घास भी धोते हैं अच्छे से, फिर भी हमारे रैबिट को लूज मोशन होता है, तो आप दोबारा से एक बार चेक करो कि पूरे दिन में आप उसको कितना परसेंट हे देते हो, कितना परसेंट पैलेट देते हो और कितना परसेंट सेफ वेजिटेबल देते हो। गोभी सेफ वेजिटेबल्स में नहीं आती, बंद गोभी के पत्ते सेफ वेजिटेबल्स में नहीं आते। अगर और कोई भी चीज अगर आप सेफ भी दे रहे हो, उसकी भी क्वांटिटी एक लिमिट में होती है। जैसे कि धनिया सेफ है, मगर मैं पूरी गड्डी लाकर एक रैबिट को अपने धनिया दे दूं तो उससे भी उसका पेट खराब होगा। ऐसा नहीं है कि धनिया सेफ है यार, इससे पेट कैसे खराब हो गया, क्योंकि आपने उसको लिमिट से बहुत ज्यादा दे दिया। लिमिट कितनी है? छोटा वाला बाउल दिन में 1 और रात में 1, बस इतना। बाकी 24 घंटे है। लोगों की अब क्वेरी आएगी, मुझे पता है इसके ऊपर भी शायद आएगी क्योंकि बहुत ज्यादा आती है कि क्या घास से हमारे खरगोश का पेट भर जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि घास से हमारे खरगोश का पेट भर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। घास से खरगोश के पेट बहुत अच्छे से भरते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि वो हेल्थी है, तो अगर आप उसकी वेजिटेबल्स थोड़ी सी कम कर दोगे वो ऑटोमेटिकली घास ही खाएगा, क्योंकि जब उसको भूख लगेगी उसको वेजिटेबल्स नहीं मिलेगी तो वो घास की तरफ जाएगा। तो ये आप टेंशन मत लो कि हमारा रैबिट घास नहीं खाता या हमारा रैबिट हे नहीं खाता। अगर आप कोई और तरीके की हे ले रहे हो तो हे को थोड़ा चेंज करके देखो, डिफरेंट टाइप की हे लेके देखो। तो मेन बात यही है कि आपको डाइट अच्छी रखनी है, आपको घास लानी है तो वॉश करके देनी है। अब बात आते हैं, अब लोग पूछेंगे कि दीदी इतना लंबा लेक्चर तो आपने दे दिया, अब इसका आप हमें मेडिकेशंस भी बताओ कि अगर हमारे रैबिट को लूज मोशन हो गई है तो हम उसे क्या दवाई दें। पहली चीज, मैं कोई भी दवाई, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं तो मैं कोई भी दवाई इस टाइप से यूट्यूब पे नहीं बताऊंगी, क्योंकि बतानी चाहिए भी नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो डोज हैं, जो मेडिसिन सुनकर कभी भी दवाई दे देंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरे एक हल्की सी गलती से किसी भी रैबिट की लाइफ को प्रॉब्लम हो, राइट। तो अगर आप लोग फेस कर रहे हो कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम तो आप हेल्पलाइन पे मैसेज कर सकते हो। नंबर आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देती हूँ, आप हेल्पलाइन पे कर देना। बहुत ज्यादा आप ये मत सोचना कि अभी मैसेज किया तो हमें आधे घंटे के अंदर रिप्लाई आ जाए, बट आपके पास रिप्लाई आएगा फॉर श्योर। तो जो बेसिक मेडिसिन है वो हमेशा अपने पास रेडी रखना, आप उनसे पूछ सकते हो, वो आपको बेसिक मेडिसिन बता देंगे ताकि आप हमेशा पास रखो। कोई भी ऐसी इमरजेंसी आती है, गैस से रिलेटेड, लूज मोशन से रिलेटेड, एटलीस्ट आपके पास बेसिक वाली दवाइयां घर पे हो। और बनी का डोज देने के लिए, यानी कि बनी को डोज देने के लिए आपको हमेशा उसका वजन पता होना चाहिए, क्योंकि रैबिट्स को जो हम मेडिसिन देते हैं वो उसके वजन के हिसाब से ही देते हैं, तो इसलिए आपको हमेशा वजन पता होना चाहिए अपने खरगोश का। तो ये दो तीन चीजें आपको करके रखनी है, इसलिए मैं यहाँ पे मेडिसिन नहीं बता रही हूँ लूज मोशन से रिलेटेड। आप ट्राई करो कि आप उसको डाइट इतनी अच्छी दो, आप ये सब चीजें फॉलो करो तो वो इस सिचुएशन तक ना के बराबर ही पहुंचे। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा यूजफुल लगा है। अगर लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और उनको भी बताएं कि अगर उनके पास रैबिट्स हैं तो वो किस टाइप से इनकी केयर कर सकते हैं। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए, थोड़ा सा वक्त चाहिए। वक्त हर इंसान मांगता है, हर जानवर मांगता है, हर पेट, हर फैमिली मेंबर मांगता है। उसी तरीके से हमें इनको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा और थोड़ी सी डेडिकेशन करनी पड़ेगी। वीडियो में लास्ट बाय बाय बोलने से पहले मैंने कल पोस्ट डाली थी कि हम लोगों को कुछ वॉलंटियर्स चाहिए। वॉलंटियर्स का मतलब है कुछ ऐसे लोग जो मेरे साथ मेरी टीम बनकर काम करे, कुछ चार पांच लोगों का मैंने डाला। जैसे बहुत सारी क्वेरीज आती है तो हम सोच रहे हैं कि ऐसे ऐसे हम क्वेरीज बांट दे। मैं कल तक फाइनल कर लूंगी और मैं पर्सनली खुद उनको फोन करूंगी। मैं YouTube पे अनाउंस नहीं करूंगी वॉलंटियर, बट मैं उनको फोन करके 5 लोगों को बता दूंगी कि हाँ आप लोग वॉलंटियर सेलेक्ट हुए हो, आपको ये काम करना है और ये चीजें हैं। तो प्लीज बार बार आप ये मत सोचना कि हमें नहीं लिया, ऐसा नहीं है। सिर्फ यार 5 लोग चुनने हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ताकि किसी की क्वेरी है कि डाइट से रिलेटेड, तो ये एक बंदा होना चाहिए जो डाइट का बता रहा है। एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या वॉलंटियर को कुछ पैसा मिलता है। वॉलंटियर का मतलब ही ये होता है कि जो सिर्फ इनकी सेवा के लिए काम कर रहा है विदाउट एनी फाइनेंशियली मॉनेटरी बेनिफिट के। तो प्लीज बी क्लियर, ये कोई सैलरी जॉब नहीं है, ये एक जस्ट हम लोग वॉलंटियर यानी कि जो फरी बेबी से प्यार करता है बस उनकी मदद करना चाहता है कि इंडिया में अभी भी जो लोग अनअवेयर है उनको हम अवेयर करें एक ग्रुप बनाकर। तो आई होप आपको मेरा ये प्लान भी अच्छा लगा है और आई होप आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।